Hey guys, Imran here and welcome back to my channel. And oh my god, आज के टाइम पे भाई PC पास के जो prices हैं वो मतलब सर से ऊपर चले गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए. एंड स्पेशली जो ग्राफिक कार्ड जो GPUs हैं उनके तो भाई डिमांड एंड स्टॉक्स एंड prices भाई स्पेस से भी अबव है, दूसरे गैलेक्सी में चले गए. बट ओवरऑल जो prices हैं भाई स्पेशली ग्राफिक कार्ड के, वो भाई मतलब अफोर्ड करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला बात हो गया. बिकॉज जिसकी प्राइसिंग अभी 10 मान लीजिए कि अगर एक 1650 सुपर की मैं बात करूँ, जो कि एक बेस वेरिएंट का ग्राफिक कार्ड है, वो नॉर्मली ऑफलाइन मार्केट में 12-13-14 हज़ार रुपये तक मैक्स टू मैक्स मिल जाता है. बट अभी के टाइम पे भाई उसकी 28,000 से 30,000 तक कहीं कहीं मैंने देखा उसकी प्राइसिंग है. बट ओवरऑल आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि क्या हमें प्री बिल्ड पीसीज को लेना चाहिए. बिकॉज आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्री बिल्ड पीसीज सोल्ड हो रहे हैं. एंड इनफैक्ट मैं खुद एक प्री बिल्ड पीसी यूज़र हूँ. मैं भी एक डेल का प्री बिल्ड पीसी यूज़ करता हूँ एंड सच में अभी तक मुझे ऐसा कोई सच प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी है. बट हाँ, मैं एक प्री बिल्ड पीसी यूज़र हूँ तो शायद मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो भी मेरे पास्ट में एक्सपीरियंस रहे हुए हैं. बट एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम लोग कभी भी फर्स्ट टाइम पीसीज या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग लेने जाते हैं तो नॉलेज कम होती है. एंड डेफिनेटली यहाँ पे नॉलेज कम होने का फ़ायदा बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स है, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि हमें ठगते हैं. कि पहले 2-3 साल पहले मुझे भी कुछ खास नॉलेज मतलब जीरो नॉलेज थी मेरे पास पीसीज वगैरह की, या फिर ऐसे सभी के पास होते हैं, हर लोग को सीख के तो पैदा कोई होता नहीं है, तो नॉलेज नहीं होती शुरू में. एंड इसी का बहुत सारे स्कैमर एंड सेलर्स जो है फ़ायदा उठाते हैं. एंड सेम अमेज़ॉन में बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि आपका फ़ायदा उठा रहे. तो डेफिनेटली आप जहाँ पर भी जो भी बाय कर रहे हैं आप पूरा प्रॉपर देखिए. बिकॉज अमेज़ॉन में बहुत सारे ऐसे प्री बिल्ड पीसीज हैं जो कि आपको ठग रहे हैं. उनमें जो पीसी पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हैं एंड प्राइस जो आपसे ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड प्राइस ले रहे हैं. सो हाँ, यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स ऐसे हैं जो कि आपको स्कैम कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप थोड़ा अवॉइड करिए इन सभी लोगों से लेना, जो कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि बहुत कम प्राइस है या फिर बहुत अच्छी स्पेक्स है, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि इस प्राइस पॉइंट में कौन से स्पेक्स मुझे मिलने चाहिए एंड कौन से स्पेक्स जो है आज के हिसाब से मतलब कि आउटडेटेड नहीं है, वो अभी के टाइम पे सही है एंड उसको आप 2-3 साल तक यूज़ कर सकते हैं. बट ओवरऑल अगर आपको जानना है कि प्री बिल्ड पीसी अगर आपको लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं. अब यहाँ पे गाइस एक दो तरह के प्री बिल्ड पीसीज होते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो कि गीक्स होते हैं एंड जिनको पता है पीसीज के बारे में, तो वो तो ऑब्वियसली बात है वो लोग अपने पार्ट्स को बाय करते हैं अमेज़ॉन से या फिर ऑफलाइन मार्केट से एंड खुद से ही असेंबल कर लेते हैं. या फिर बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि पार्ट्स को कलेक्ट कर लेते हैं या फिर बाय कर लेते हैं एंड किसी एक बंदे से जो कि पीसी पार्ट्स को जो भी पीसी वाला बंदा है उनको बुला के वो असेंबल करा लेते हैं. बट यहाँ भी गाइस बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो कि आपका सेम काम करके देती है एंड वो पैसे भी कम लेती है. एंड ओवरऑल जो आपका उनका मतलब बेचने का तरीका है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली. मैंने अभी तक कभी भी मैंने पीसी बिल्ड अपने मैंने कभी नहीं किया है. एंड अगर मुझे लेना हो तो मैं इन सभी जैसे वेबसाइट होगी, बिटकार्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड नोन वेबसाइट है. एंड एक और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है SMC इंटरनेशनल, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी चाहिए, आप पर्सनल पीसी, आपको जो आपको जिस टाइप का पीसी बनवाना है आप खुद से जो भी पार्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग सारे पार्ट को असेंबल करके आपको सेंड आउट कर देंगे. एंड ये जो तरीका है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड अगर आपको लेना है तो इस टाइप से आप पीसीज को ले सकते हैं एंड ये एक जेन्युइन तरीका है. एंड यहाँ से आप अगर आप लेंगे तो आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे जैसे आप प्री बिल्ड अपने घर में पीसी करेंगे वही सेम चीज़ वो बिटकार्ड या फिर SMC इंटरनेशनल ये सभी कंपनी उसी तरह से करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको कौन से पार्ट को सिलेक्ट करना है. आप रैम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए, आपको मदरबोर्ड कोई और सा चाहिए या फिर कोई और भी चाहिए तो आप वहां से भी मतलब जितना चाहे आप कस्टमाइजेशन आप शुरुआत में भी कर सकते हैं एंड लेने की बात भी कर सकते हैं. एंड जो दूसरा तरीका होता है वो होता है प्री बिल्ड पीसीज जो कि ब्रांड की तरफ से आते हैं, जैसे कि असूस का बहुत सारे पीसीज आते हैं प्री बिल्ड, डेल के भी पहले आते थे पता नहीं अब आते हैं कि नहीं, एंड लेनोवो के भी आते हैं. तो यहाँ पे ये इनका जो होता है कि ये लोग का जो प्री बिल्ड पीसी होता है इनमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है. सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि इनके जो प्री बिल्ड पीसीज होते हैं उनमें बहुत सारे कॉन्स होते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा. बट हाँ, यहाँ भी एक जो पीसी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे वैल्यू फॉर मनी है. इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इस वाले पीसी पे बने हुए हैं एंड इस वाले पीसी को अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा रिपोटेशन इसको मिल रही है. बिकॉज ये पीसी जो है ये लेनोवो की तरफ से है एंड लेनोवो का आई थिंक आइडिया सेंटर G5 ये पीसी है. एंड सच में ये जो पीसी प्रीबिल्ड है ये जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है अभी के टाइम के हिसाब से, जो प्राइसिंग अभी के टाइम पे जो हार्डवेयर की चल रही है उसके हिसाब से इस पीसी का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है.
एंड इनफैक्ट इस वाले पीसी में अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो स्पेक्स भी लाजवाब है भाई, बिकॉज इसमें आपको राइजन 5 3700X मिल रहा है एंड RTX 2060 मिल रहा है। सुपर वाला वेरिएंट है सिर्फ नॉर्मल RTX 2060। एंड मेरे हिसाब से ये जो 2060 भी है भाई, अगर आप कोई भी काम करते हैं लाइक मेरी तरह वीडियो एडिटिंग गेमिंग, मतलब आपका जो भी वर्क फ्लो है वो ईजिली ये दोनों ही कॉम्बिनेशन जो है वो ईजिली हैंडल कर लेंगे। एंड 8GB की रैम ये थोड़ा सा डाउन पॉइंट मुझे लगा, बट हाँ एक सिंगल स्लॉट इसमें है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं 16GB 8GB का और स्टिक लगा सकते हैं। एंड मेरी ज़्यादा 16GB अभी के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं। हाँ 4K एडिटिंग को छोड़ के आप सभी काम काफ़ी ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं, बट अगर आप एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की करते हैं 4K एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे 32GB आपको रिक्वायरमेंट होगी। बट ओवरऑल अगर मैं इस वाले पीसी की बात करूँ तो राइजन 5 3700X एंड RTX 2060 8GB रैम एंड 256GB की आपको SSD मिलती है एंड 1TB का हार्ड ड्राइव। ऑल्दो जो प्रोसेसर एंड जो GPU वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट रैम में एंड SSD वगैरह में स्टोरेज में थोड़ा सा और इनको अच्छा करना चाहिए था। बट ओवरऑल प्राइसिंग भी एक देखने वाली बात है, बिकॉज जो इसकी प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। 75 या फिर 80,000 का मैंने इसको देखा हुआ है Amazon एंड Flipkart पे, एंड स्पेशली इस प्राइस पॉइंट में अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से ये जो डील है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ऐसा नहीं है कि ये डील बहुत ज़्यादा अच्छी है आपको आँख बंद करके ले लेना चाहिए। अब प्री बिल्ड PCs की बहुत सारे कॉन्स होते हैं जो कि शायद आपको फ्यूचर में दिक्कत दे सकते हैं। अब सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो प्री बिल्ड PCs होते हैं ये एस्थेटिकली उतने ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होते, आपके जो सेटअप है उसमें चार चांद नहीं लगाते, यानी कि ये एकदम सिंपल से मरियल से होते हैं एंड इसमें ज़्यादा RGB वगैरह इसमें होते नहीं एंड वगैरह आप फैन वगैरह को उतना ज़्यादा कस्टमाइज या फिर लगा नहीं सकते, या फिर आपको केस वगैरह भी उतना अच्छा नहीं मिलता कि आप उसको अच्छे से मतलब सजा सके, आप अपने PC को शो ऑफ कर सके, ऐसे नहीं होते। तो यहाँ पे तो एक सबसे बड़ा कौन यही होगा, बिकॉज आज के टाइम पे इनफैक्ट सभी लोग मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो PC हो, वैसे मेरे पास अभी वैसा PC नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में अगर मेरा PC होगा तो मैं उसको शो ऑफ करूँगा अपने सेटअप में, यहाँ पर मैं रखूँगा ताकि आपको वीडियो भी दिखे। बट वो सभी PCs जो है इतने अच्छे नहीं होते कि जो है आप उनको शो ऑफ कर पाए, सबसे बड़ा मेरे हिसाब से ये मेन प्रॉब्लम है। एंड जो सेकेंड प्रॉब्लम आती है वो आती है अपग्रेडेबिलिटी के ऊपर। अब अपग्रेडेबिलिटी में गाइज ये जो प्रीबिल्ड PCs होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती है, लाइक यहाँ पे आप हल्के फुल्के माइनर चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मेरा भी जो प्रीबिल्ड PC है मैंने उसमें रैम को अपग्रेड किया हुआ है, SSD को अपग्रेड किया हुआ है एंड दैट्स इट, मैंने इतना ही किया हुआ है एंड उसमें मैं उससे कुछ ज़्यादा खास कर भी नहीं सकता। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे अगर मेरे प्रोसेसर को चेंज करना हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग जो मदरबोर्ड यूज़ करते हैं ये इनका खुद का मदरबोर्ड होता है, ये इनका कस्टम मेड मदरबोर्ड होता है, यानी कोई असूस का कोई गीगाबाइट का इन लोगों का जो आप नॉर्मली बाय करते हैं वैसा नहीं होता, इन लोगों का ये जो मदरबोर्ड होता है ये इनका खुद का होता है एंड वहाँ पे आपको लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। यानी अगर आप प्रोसेसर चेंज करना चाहते हैं तो शायद आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़े एंड पावर सप्लाई वगैरह। अगर मैं इस वाले PC की पावर सप्लाई की बात करूँ तो PC की पावर सप्लाई भी कुछ इस तरह की है कि आप ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हाँ लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा है कि आप थोड़े से बंधे हुए हैं, आपका हाथ पूरा खुला हुआ नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत चेंजेस आप हल्के फुल्के कर सकते हैं, बट ज़्यादा चेंजेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन प्रीबिल्ड PCs में। अब मैं खुद अपने डेल के प्रीबिल्ड PC में सोच रहा हूँ कि मैं इसका प्रोसेसर को अपग्रेड करूँ, बट मैं प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहूँगा तो मुझे पूरा चीज़ अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे मदरबोर्ड अपग्रेड करना पड़ेगा, रैम अपग्रेड करना पड़ेगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वैसे रैम इसलिए मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो PC है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, मेरे में DDR3 की रैम लगी हुई है एंड वो भी 13 33 MHz वाली। तो समझ रहे आज के टाइम के हिसाब से अगर मुझे अपग्रेड करना हो तो मतलब मैं अपग्रेड नहीं कर सकता, उससे अच्छा मैं एक नया PC बिल्ड कर लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हाँ आज के टाइम पे अगर आप ले रहे हैं तो अगर आप प्रीबिल्ड PC ले रहे हैं तो वहाँ पे अपग्रेडेशन की थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस वाली PC की तो डेफिनेटली अगर आपको काम है अभी के टाइम पे अर्जेंटली लेना है तो इस वाले PC को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हाँ थोड़ी सी लिमिटेशन है बट ओवरऑल जो आपको वैल्यू ऑफर कर रहा है ये वाला PC वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आपको सेटअप में उतना ज़्यादा एस्थेटिक आपको दिखाना नहीं है, आपको उतना ज़्यादा दिखाना नहीं, आपको किनारे कैबिनेट के नीचे आपको अपने टेबल के नीचे साइड में रखना है आपको दिखाना नहीं, तो डेफिनेटली आप इस टाइप के PCs को ले सकते हैं। एंड हाँ मैं फाइनली कहना चाहूँगा कि इसमें जो स्पेक्स दे रहा है Lenovo वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अभी के टाइम के हिसाब से, अभी की जो प्राइसिंग चली उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ओवरऑल दैट्स इट गाइस, ये था मेरा कुछ अपना ओपिनियन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस बारे में। सो अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इस वाली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।